औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर यूनिट नंबर 6 व्हिच इज फैसिलिटेटिंग कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एंड इट्स लेक्चर 12 एंड आई हैव डिवाइडेड दिस यूनिट इन टू पार्ट्स। इन लेक्चर 12 वी विल डिस्कस फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग एंड आफ्टर दैट इन लेक्चर 13 we will discuss that what are the measurements of creativity, then creativity in classroom, and then we will see some kind of instructional strategies to stimulate complex thinking. So moving towards the lecture 12, here learning objectives are that students understand forms of thinking, which are critical thinking, creative thinking, and problem solving. Then students should be able to measure creativity in classroom and they should have some kind of knowledge about it. Then you will explore the concept creativity in classroom. After that, select some strategies that can stimulate complex thinking in students. So this is all about the learning objectives. Starting from basic term, which is form of thinking, and here three kinds of thinking we will see. Basic introduction jo iske hawale se hai wo dekh lete hain. The forms have distinctive educational purposes, even though they sometimes overlap, kyunki teen terms jaise aap samne dekh rahe hain, critical thinking hai, creative thinking hai, problem solving hai, sometimes ho sakta hai ki aap inko same consider karte ho aur ye overlap bhi kar jati hain. So in the sense that one form may contribute to the success with another form, ठीक है, और ओवरलैपिंग की वजह यही होती है कि एक चीज़ जब होती है, क्रिटिकल थिंकिंग जब डेवलप हो जाती है, तो देन हम क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ मूव कर जाते हैं, और मतलब यह है कि हर चीज़ दूसरी चीज़ को सपोर्ट कर रही है, ठीक हो गया। कंसीडर थ्री समवॉट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग दैट आर कॉमनली परस्यूड इन क्लासरूम लर्निंग। ऑलराइट, फर्स्ट वन इज क्रिटिकल थिंकिंग। Critical thinking requires skill at analyzing the reliability and validity of information, ठीक है, as well as the attitude or temperament to do so, के ये देखना बेसिकली कि या एनालाइज करना कि कोई भी चीज़ कितनी रिलायबल है और कितनी वैलिड है। तो ऑब्वियसली जब आप इस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आपको अपने दिमाग को एक्टिवली यूज़ करना पड़ेगा और आप ये सोचोगे कि किस तरह से वो अच्छी है और स्ट्रेंथफुल, किस तरह से वो बेनिफिशियल है और किस तरह से नहीं है। द स्किल एंड एटीट्यूड मे बी डिस्प्लेड विद रिगार्ड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर और टॉपिक, बट इन प्रिंसिपल इट कैन अकर इन एनी रियलम ऑफ नॉलेज, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो क्रिटिकल थिंकिंग एटीट्यूड है या जो ये जो स्किल है, ये सिर्फ और सिर्फ कोई पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट के हवाले से डेवलप हो सकती है। हम इस एबिलिटी को किसी भी नॉलेज के सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में लेकर चल सकते हैं और आप अपने स्टूडेंट्स की जो स्किल्स हैं उनको एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने दो बातें देखी कि एक तो ये कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या, और दूसरी बात ये है कि हम सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग को सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट तक या टॉपिक तक लिमिटाइज नहीं करते। थर्ड पॉइंट ये है कि अ क्रिटिकल थिंकर डज नॉट नेसेसरली हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड इन द एवरीडे सेंस ऑफ कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग समवन और समथिंग, ठीक है। ये ऐसी बात नहीं है कि आप जो है वो कीड़े निकालना शुरू कर देना किसी के भी एटीट्यूड में या किसी भी काम को कर रहा है कोई बंदा और आप उसको देखें जी इसने क्या गलतियां की हैं, तो ये पॉइंट आउट करना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, ठीक है, कि आप इसी को ही समझेंगे हाँ जी मैं तो बहुत अच्छा क्रिटिकल थिंकर हूँ क्योंकि मैं कोई काम जब कर रहा हो तो मैं ये फौरन से देख के बता सकता हूँ या बता सकती हूँ कि उसने कितनी गलतियां की हैं और इसको ऐसे मतलब ये खामियां थी इसमें, ठीक है। खामियां निकालना जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। इंस्टेड ही और शी कैन बी थॉट ऑफ एज एस्ट्यूट, एस्ट्यूट मीन्स स्मार्ट या इंटेलिजेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्रिटिकल थिंकर जो है वो क्रिटिसाइज करने वाला नहीं होता,
इंस्टेड ये ना हो कि वो ये समझ रहा हो कि मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ तो मैं जो है वो बहुत ही एस्ट्यूट हूँ. एस्ट्यूट मीन्स स्मार्ट या इंटेलिजेंट. ठीक है, क्रिटिकल थिंकर क्या करते हैं बेसिकली वो आगे देखते हैं हम. द क्रिटिकल थिंकर आस्क की क्वेश्चंस, इवेलुएट द एविडेंस फॉर आइडियाज, रीजंस फॉर प्रॉब्लम्स बोथ लॉजिकली एंड ऑब्जेक्टिवली, एंड एक्सप्रेस आइडियाज एंड कंक्लूजन्स क्लियरली एंड प्रिसाइजली. ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द क्रिटिकल थिंकर कैन अप्लाई दीज हैबिट्स ऑफ माइंड इन मोर देन वन रियलम ऑफ लाइफ और नॉलेज. ठीक है, अब ये हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स के जो एज अ क्रिटिकल थिंकर हम कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं कि आप क्वेश्चंस करें कि कोई एक चीज कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया तो आप उसमें से ये चीजें निकालने की कोशिश करें कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई. उसको पूछें, बार बार पूछें, चीजों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके पूछें. उसके बाद आप इवैल्यूएट करें उन एविडेंसेस को या आइडियाज को कि क्या आपने कोई चीज का सोल्यूशन निकाला है या किसी चीज को जो भी अंडरस्टैंड किया है वो सही है या नहीं सही है. ठीक है, आपके पास जो आपके आइडियाज हैं वो सही हैं या नहीं सही हैं. ठीक हो गया, देन अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या किसी की भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रीजंस जो दी जाती हैं, सॉल्यूशंस जो दिए जाते हैं, उनको लॉजिकली लेके चलना. कि ये ना हो कि वो बस ऐसे ही कोई बात आप कर दें और वो सॉल्यूशन हो, ऐसा नहीं है. आपने लॉजिकल और ऑब्जेक्टिव वे में रहते हुए चीजों के सॉल्यूशन ढूंढने हैं और तभी हम कहेंगे ना कि भाई यू आर अ क्रिटिकल थिंकर. ठीक है, अब ऑब्जेक्टिवली कहने का मतलब ये है कि जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है ना, उसमें अगर टीचर मार्किंग करने लगता है तो देन अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं नंबरों को कम या ज्यादा नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि एक सवाल स्टेटमेंट दी हुई है, उसके चार ऑप्शन है, उनमें से एक सही है. अगर किसी ने सही किया तो उसको सही ही करना पड़ेगा और अगर गलत किया तो गलत करना पड़ेगा. ठीक है, तो इट मीन्स हम अपनी जो इंटेंशंस हैं, जो अपना इंटरेस्ट है, उसको उसके अंदर कह लें कि सॉल्यूशन के अंदर नहीं ला सकते. सो ऑब्जेक्टिविटी का वर्ड यहां पर इसलिए यूज किया गया. ठीक है, इसी तरह से उसमें ये एबिलिटी हो कि वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सके. और सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप किसी भी चीज को कंक्लूड कैसे करते हैं, और वो भी टू द पॉइंट. ये ना हो कि आपका कंक्लूजन ही जो है वो पिछले पूरे चैप्टर से बड़ा हो जाए, ऐसा भी नहीं हो. ठीक है, तो अगर इस तरह की एबिलिटीज आपके अंदर मौजूद हैं तो देन यू कैन थिंक दैट यू आर अ क्रिटिकल थिंकर, और आप जो है वो फिर अगली स्टेज की तरफ मूव कर सकते हैं. ऑलराइट, अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एज अ क्रिटिकल थिंकर आप में जो होनी चाहिए वो क्या है कि क्रिटिकल थिंकर जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एक चीज को, कोई भी एक सॉल्यूशन निकाला है या कोई नॉलेज गेन किया है तो उनको ये पता होता है कि कम से कम यही चीज किसी और जगह पर, चाहे उनकी लाइफ से रिलेटेड कोई इवेंट है या कोई नॉलेज से रिलेटेड चीज है, वो उनको अच्छे से पता होता है कि हमने इस कॉन्सेप्ट को किस जगह पर जोड़ना है और किस तरह से जोड़ना है. ठीक हो गया, आई होप ये वाली जो बात है वो आपको समझ में आ गई होगी. आगे बढ़ते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग है क्या. पहले हमने क्या देखा था, क्रिटिकल थिंकिंग, तो अब हमने देखना है कि क्रिएटिव थिंकिंग क्या है. ऑलराइट, क्रिएटिव इज द एबिलिटी टू मेक और डू समथिंग न्यू. ठीक है, और वो जो न्यू चीज हम बनाते हैं वो यूजफुल होनी चाहिए और उसको बहुत से लोगों को वैल्यू करना चाहिए. ठीक है, बहुत से लोग अप्रिशिएट करें कि हाँ जी आपने ये जो काम किया है वो बहुत अच्छा है. ठीक हो गया, तो दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी. द समथिंग कैन बी अ ऑब्जेक्ट, जैसे हमने कहा ना समथिंग न्यू, तो समथिंग से क्या मुराद है कि वो कोई चीज भी हो सकती है लाइक एसे और पेंटिंग. ये कोई स्किल भी हो सकती है जो आप अपने अंदर डिवेलप कर लेते हैं लाइक आप प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, अगर आपने पियानो बजाना सीखा है तो वो आपकी स्किल है जो आपने अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को यूज करते हुए अपने अंदर बिल्ड की है. ठीक है, और एन एक्शन के लाइक यूजिंग अ फेमिलियर टूल इन अ न्यू वे. सही है, टू बी क्रिएटिव द ऑब्जेक्ट स्किल या एक्शन कैन नॉट सिंपली बी स्ट्रेंज.
ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कोई स्ट्रेंज चीज है, इट कैन नॉट बी न्यू विदाउट एल्स बीइंग यूजफुल और वैल्यूड एंड नॉट सिंपली बी द रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, ये चीजें जो क्रिएटिविटी में आती हैं वो बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद, बहुत ज्यादा एफर्ट के बाद और प्रैक्टिस के बाद जो है वो आती हैं। इफ अ पर्सन टाइप्स लेटर्स एट रैंडम दैट फॉर्म अ पोइम बाय चांस, द रिजल्ट मे बी ब्यूटीफुल बट इट वुड नॉट बी क्रिएटिव बाय द डेफिनेशन अबव। ठीक है, तो इस लाइन से आपको क्लियर हो गया ना कि अगर एक बंदे ने बाय चांस ही जो है वो बैठ के लफ्जों के हेर पेर से जो है वो एक नज़म बना ली, ठीक है, हो सकता है ये लफ्ज कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने यूज किए हों और अब वो अपने ऐसे ही बस रैंडमली बैठा था और उसने यूज करके एक पोएम लिख ली है, तो इट डजंट मीन कि वो क्रिएटिविटी थी उस। ठीक है, क्रिएटिविटी ये है कि आप अपनी स्किल्स को या एबिलिटीज को इस तरह से यूज करें कि आप एक नई चीज अपने अंदर डेवलप करें और वो लॉन्ग लास्टिंग हो। ऑलराइट, अगर इस तरह से देखा जाए तो देन क्रिएटिविटी इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस दैट मैनी पीपल इफ नॉट एवरी वन हैव हैड एट सम टाइम और अदर। ठीक है, इस तरह के एक्सपीरियंस जो हैं वो बहुत हद तक लोगों को हुए होते हैं। द एक्सपीरियंस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू जीनियसेस। ठीक है, ऐसी भी बात नहीं है कि क्रिएटिविटी सिर्फ जो कोई हाई फाई लोग जैसे हैं, बिल गेट्स हैं या जो भी हैं, तो वही कर सकते हैं या उन्हीं के अंदर ये चीज़ है कि वो सोचें उस तरह उस लेवल का और देन कुछ नया प्रोड्यूस करें। हर इंसान का दिमाग है, अल्लाह ताला ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया ना। ठीक है, सो आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, जितना अच्छे तरीके से जितना एक्टिवली आप उसको इस्तेमाल करेंगे आपके जहन में नए नए आइडियाज आते जाएंगे। ठीक हो गया, आगे बढ़ना चाहिए। इसी क्रिएटिव थिंकिंग के हवाले से अगली बात ये है कि स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स देर आर टू फैक्ट्स। ठीक है, दो फैक्ट्स क्रिएटिव थिंकिंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इज दैट एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म क्रिएटिविटी इज क्रिएटिव थिंकिंग, के जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि जनरेशन ऑफ आइडियाज दैट आर न्यू एज वेल एज यूजफुल, प्रोडक्टिव और अप्रोप्रिएट। ठीक है, द सेकेंड इज दैट क्रिएटिव थिंकिंग कैन बी स्टिमुलेटेड बाई टीचर्स एफर्ट्स। ठीक है, कि हम स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग को डिवेलप कर सकते हैं और ये आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि टीचर कैन फॉर एग्जाम्पल इनकरेज स्टूडेंट्स डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है कि आइडियाज दैट आर ओपन एंडेड एंड दैट लीड इन मैनी डायरेक्शंस। ठीक है, कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस उनसे करें कि जिसके उनको सोचकर जवाब देने पड़े और हाँ ना में जवाब ना हो। ठीक है, वो तो क्लोज एंडेड हो गए ना, यस नो अगर करना है तो देन तो फिर कोई ओपिनियन हुआ ही ना और उनको दिमाग अपना इस्तेमाल करना ही ना पड़ा। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को की एबिलिटी कैसे डिवेलप की जा सकती है, जब आप उनको इस तरह के क्वेश्चंस कहें कि जिनके आंसर उनको सोच कर देने पड़े और जिनके आंसर मोर देन टू और थ्री लाइन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि वो अपना ओपिनियन फिर शो करें, उनको ये ना हो कि हाँ जी ये वाला जो सवाल किया गया है मुझसे उसमें यस और नो से ही काम चल जाएगा। ठीक है, जब वो सोचने पर मजबूर होते हैं तो देन ऑब्वियसली उनका दिमाग जो इंफॉर्मेशन पहले उनके दिमाग में स्टोर होती है या प्रायर जो अपना नॉलेज होता है उसको फिर उस न्यू सिचुएशन के साथ मैच करने की कोशिश में लग जाता है, और जब वो मैच करता है अपने प्रायर नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ या न्यू सिचुएशन के साथ तो देन ऑब्वियसली उसके दिमाग में कोई ना कोई सोल्यूशन आ जाता है और फिर यही चीज उसको स्टिमुलेट करती है आगे मजीद सोचने के लिए। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग इज स्टिमुलेटेड बाय ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस विद मेनी पॉसिबल आंसर्स सच एज हम ये एज एन एग्जांपल मैंने यहां मेंशन किए हैं कि हाउ मेनी यूजेस कैन यू ऑफ फॉर अ कप। ठीक है, सिर्फ एक चाय के लिए तो यूज नहीं होता ना कप, तो उसके अलावा क्या यूजेस हो सकते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर दैट सम हाउ इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ दीज वर्ड्स कैट फायर इंजन एंड बनाना। तो अब जब वो एक ऐसी पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो देन ऑब्वियसली वो उनकी माइंड की तमाम एबिलिटीज के जो ड्रॉइंग के हवाले से हैं वो उनको सम अप करेगा और फिर कोई ऐसी चीज बनाएगा जिसमें ये चारों चीजों या पांचों चीजें हों। ठीक है,
What is the most unusual use you can think of for a shoe? ठीक है, अनयूजुअल क्या यूज हो सकता है कि जूते को सिर्फ पाँव में ही पहना जाता है, या इसके अलावा कोई ऐसी चीज के जो थोड़ी यूनिक हो? तो जब आप इस तरह के सवाल उनसे करेंगे तो देन ऑब्वियसली वो सोचेंगे, कोई ना कोई आइडियाज आएंगे, और इवन बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज आते हैं बच्चों के जहन में. ठीक हो गया. सो परेशान होने की बात नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि जी आप क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो नहीं कर सकते. क्रिएटिव थिंकिंग कैन बी डेवलप्ड, और ये आप टीचर्स के हाथ में ही है. आप भी टीचर्स बनने जा रहे हैं, सो आपको भी ये चीजें समझनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ रोट मेमोराइजेशन पे ना रखें. ठीक है, रोट मेमोराइजेशन बहुत थोड़े और लिमिटेड टाइम तक रहती है. इंफॉर्मेशन इस तरह से रटे की सूरत में अपने दिमाग में रखने का कोई फायदा नहीं है. फायदा तो तब हो ना कि जब वो अपनी प्रैक्टिकल और एजुकेशनल दोनों लाइफ को उस नॉलेज की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से यूज कर रहे हैं. तो हमें जो है एज अ टीचर उन स्टूडेंट्स को इस तरह से पॉलिश करना है, उनको ऐसे मौके जरूर फराहम करने हैं कि जिससे उनकी ये एबिलिटीज डेवलप हों. ठीक है, नॉलेज वो सीख भी सकते हैं, लेकिन अगर उनमें हम वो स्किल सिखा दें, उनमें ये एबिलिटी डेवलप कर दें कि वो नॉलेज सीखा कैसे जाएगा, वो कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजों को, उनमें यही हम सोचने समझने की सलाहियत ही अगर एक दफा डेवलप कर दें तो वही आगे लंबे अरसे तक चलती रहेगी. सो यू शुड थिंक अबाउट इट. ठीक हो गया जी. नेक्स्ट बात यह है कि नोट कर लें कि answering these questions creatively depends partially on having already acquired knowledge. ठीक है, जरूरी नहीं है कि इन तमाम के जवाब जो हैं वो हमेशा ही prior knowledge से linked हों, या इस तरह से पहले से उनके solutions मौजूद हों. about the objects to which the question refer. In this sense, divergent thinking depends partially on its converse, के जो convergent thinking है, और कुछ हद तक कन्वर्जेंट थिंकिंग पे जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो डिपेंड करती है. और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? जो फोकस्ड होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है अबाउट आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस, और जो एक स्पेसिफिक आंसर की तरफ लेकर जाते हैं. ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट दोनों थिंकिंग जो है मिलकर आपको अपने प्रॉब्लम्स, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड करने में मदद देती है. ठीक हो गया. सो इट मीन्स हम ये सारा डाइवर्जेंट थिंकिंग को नहीं दे सकते. ठीक है, तो इट मीन्स कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो भी क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर रही है. ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारी फॉर्म ऑफ थिंकिंग है दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये कुछ हद तक ओपन एंडेड है देन क्रिएटिव थिंकिंग, और the analysis and solution of task or situation that are complex or ambiguous and that pose difficulties or obstacles of some kind, to unke hawale se hum problem solving technique ko use karte hain. Matlab ek situation kaisi aayi hai ki jisme aapko koi solution find karna hai, aur uske liye aap sochte hain, समझते हैं, अपने नॉलेज को यूज करते हैं, तो देन आपके सामने रास्ता क्लियर होता है कि हाँ जी आपको ऐसे करना चाहिए. ठीक हो गया. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नीडेड फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ फिजिशियन एनालाइजेस अ एक्सरे. ठीक है, एक फिजिशियन के पास एक्सरे है और उसने उसको देखना है कि एक्सरे जो है वो क्या बता रही है, कि क्या कोई इशू है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल उस एक्सरे में पांव का जो है वो फोटोग्राफ शो किया गया है, तो देन उसको जज करने के लिए, उस पिक्चर को देखने के लिए उसके पास वो नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस होना जरूरी है. ठीक है, कि जिसकी बेस पर वो ये कह सके कि हाँ जी यहां पर ये इशू आ रहा है और आपको इसको लेकर चलना है. ठीक है ना, कोई भी डॉक्टर जो है वो बिना पढ़ाई के या नॉलेज के या उन स्किल्स के डॉक्टर नहीं बनता जब तक कि उसके पास वो प्रायर नॉलेज ना हो या वो स्किल ना हो जिसके बेस पर किसी भी चीज को जो है वो आइडेंटिफाई कर सके. ठीक है, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज आल्सो नीडेड व्हेन अ ग्रोसरी स्टोर मैनेजर हैज टू डिसाइड के हाउ टू इम्प्रूव द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है, तो ऑब्वियसली वो एक प्रॉब्लम उसे अराइज हो रही है ना कि उसे अपने सेल्स को बढ़ाना है,
वो सोचेगा कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस होने चाहिए या मुझे पॉसिबल कौन से रास्ते अडॉप्ट करने चाहिए कि जिससे मेरी सेल बढ़े. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इधर मेंशन है कि शुड शी पुट इट ऑन सेल और एट लोअर प्राइस या अपनी पब्लिसिटी को इंक्रीज करे, या ये दोनों काम उसे करने चाहिए कि सेल पर भी डाले चीजों को और उसके बाद पब्लिसिटी भी करे. तो ये पॉसिबल सॉल्यूशंस है ना, और जिसके बेस पर फिर वो अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते. या फिर ये है कि विल दीज एक्शंस एक्चुअली इंक्रीज सेल्स, इतनी इंक्रीज हो कि उनकी जो कॉस्ट, उसने जितने पैसे लगाकर ये सारी चीजें खरीदी थी वो कॉस्ट उसको मिल जाए, वापस आ जाए. ठीक है, सो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स जब भी अराइज होते हैं तो उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हैं वो देखे जाते हैं और उस एम्बिगुअस जो सिचुएशन होती है उसको क्लियर बनाया जाता है. ऑल राइट, नेक्स्ट बात जो हमने देखनी है वो ये है कि मयरमेंट कैसे की जाती है क्रिएटिविटी की. टॉरेंस का कहना है कि उसने दो तरह की क्रिएटिविटी टेस्ट डेवलप किए और उसने कहा कि उनकी बेस पर हम बच्चों की जो क्रिएटिव एबिलिटी है उसको टेस्ट कर सकते हैं, वो या तो होगी वर्बल या फिर ग्राफिक. वर्बल टेस्ट में क्या करते हैं कि अ चाइल्ड इज आस्क्ड हाउ, फॉर एग्जाम्पल, अ टॉय कैन बी चेंज टू मेक इट मोर फन टू प्ले. ठीक है, और या फिर यू कैन थिंक ऑफ मैनी यूजेस ऑफ अ टिन एज पॉसिबल. ठीक है, इस तरह के वर्बल टेस्ट के में हम उनको ऐसे क्वेश्चंस करने बल्कि करते हैं कि जिसमें वो सोचते हैं, समझते हैं कि उनको मजीद जो है वो कुछ नया क्या बताना चाहिए या होना चाहिए. सो ये एग्जाम्पल्स आपके सामने, इससे आप क्लियरली आइडिया लगा सकते हैं कि वर्बल टेस्ट में क्या कहा जाता होगा. ग्राफिक टेस्ट किस तरह का होता है, इसमें अ पर्सन मे बी गिवन अ नंबर ऑफ सर्कल्स, ठीक है, एंड आस्क टू क्रिएट अ डिफरेंट ड्रॉइंग फ्रॉम रीच सर्कल. ठीक है, द रिस्पॉन्सेज आर देन स्कोर्ड फॉर ओरिजिनैलिटी. ठीक है, अब ये नहीं उसने करना है कि उन सर्कल्स को जोड़कर वो ऐसी कोई चीज बना दे जो उसने पहले से देखी है, तो इट मीन्स वो क्रिएटिविटी तो ना हुई ना. ठीक है, तो हम यही बात कर रहे हैं कि स्कोर हम करते हैं फिर उसके रिस्पॉन्सेस को ओरिजिनैलिटी की बेस पर. ओरिजिनैलिटी मीन्स कि क्या वो रिस्पॉन्स जो उसने दिया है, उसने सर्कल्स को जो अरेंज किया है, क्या वो न्यू फॉर्म थी या नहीं. ठीक है, फिर हम सेकेंडली देखते हैं फ्लुएंसी की बेस पर कि कितने नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस थे इसमें, और देन फ्लेक्सिबिलिटी की बेस पर उसको जज करते हैं कि क्या वो रिस्पॉन्स जो है, या जो उसने ड्राइंग बनाई है या जो सर्कल्स को अरेंज किया है, वो कितना डिफरेंट है दूसरों. ठीक हो गया, बात समझ आ गई. सो ये दो तरह के टेस्ट होते हैं जिनकी बेस पर क्रिएटिविटी को मैयर किया जाता है. अगला जो पार्ट है क्रिएटिविटी इन क्लासरूम का और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज के, जिसके जरिए हम बच्चों के अंदर कॉम्प्लेक्स थिंकिंग को स्टिमुलेट कर सकते हैं, वो क्या क्या हो सकती हैं, उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर नंबर 13 में. ऑल राइट, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़.